हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संतोष सर क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IBO 02 की, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड यहां पे हम लोग कुछ करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर साल हर बार एग्जाम्स में स्ट्राइक करते हैं। एंड आई एम श्योर कि ये जो सजेशंस, ये जो मैं आपको जो क्वेश्चंस यहां पे शेयर करूंगा, आई एम श्योर कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, काइंडली मेक श्योर दैट आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। एंड एक लाइक तो बनता ही है वीडियोज़ के लिए। एंड अगेन, लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोज़ हैं। एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर चैनल, सो दैट इज दैट यू कैन सपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यूनिट वन से। यूनिट वन में यू शुड नो मार्केटिंग, कि मार्केटिंग क्या होती है। एज वी नो कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फंक्शन है एंड इट स्टार्ट्स मच बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड इवन कंटिन्यूज आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के पहले से ही ये फंक्शन शुरू हो जाती है एंड गुड्स को बेचने के बाद भी ये कंटिन्यू रहती है। तो मार्केटिंग बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। एंड वाई दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपको। बिकॉज वी नीड टू नो, ए कंपनी नीड्स टू नो कि कंज्यूमर के नीड्स क्या हैं। कंपनी को मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है, उसके लिए उसको मार्केटिंग चाहिए, एक अच्छा मार्केटिंग का फिलोसॉफी चाहिए। देन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कितना हुआ है उसको मेजर करना है, अकॉर्डिंगली आप गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। देन इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट, एवरी फर्म नीड्स दिस प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। तो वी नीड टू प्रमोट, वी नीड टू इंक्रीज प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली, तो फॉर दैट यू नीड अ गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देन एनहेंस गुडविल, ऑटोमेटिकली व्हेन यू नो यू सप्लाई गुड्स, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यू हैव अ गुड ब्रांड इन द मार्केट, सो ऑटोमेटिकली दैट विल एनहेंस द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। कुछ मार्केटिंग के फिलोसॉफीज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, लाइक फिलोसॉफीज रिगार्डिंग प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन किस, लाइक व्हाट टाइप ऑफ गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताऊँ आपको कि ये मैंने ओनली पॉइंट्स यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ एंड इसके डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरे स्टडी मटेरियल में मिलेंगे आपको। ओके, तो ये जस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो पॉइंट्स हैं हेडिंग्स वो मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया है। तो प्रोडक्शन के लिए चाहिए, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए मार्केटिंग चाहिए, अच्छी सेलिंग करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए यू नीड मार्केटिंग, यू नीड मार्केटिंग फॉर मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज के लिए अगेन यू नीड सम टाइप ऑफ मार्केटिंग। देन सोसाइटल, लाइक सोसाइटी के लिए। ओके, सो यू बिकॉज ए फर्म एग्जिस्ट ओनली फॉर द सोसाइटी, तो इट हैज़ टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी। ये डिफरेंस बहुत कॉमन है जो हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। ईजी है, सेलिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग पैरेंट है एंड सेलिंग इज ए चाइल्ड ऑफ मार्केटिंग, राइट। एक शॉर्ट नोट आप कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग पे। एंड बेसिकली ये बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट है एंड द मेन यहाँ पे इसका फोकस होता है ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड कंज्यूमर्स। स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंज्यूमर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। तो दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, दोनों के सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर करना होता है। सो ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एंड इसके मेन थ्री प्रिंसिपल्स हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और वैल्यू, देन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना सो दैट इट कैन ईजिली बीट द कॉम्पिटिटर्स, एंड फोकस रहना है। एंड स्टेक होल्डर्स का भी आप ऐड कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स। ओके, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स भी क्लास 11, 12 से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मार्केटिंग मिक्स क्या है। इसके अंदर ये मेन फोर कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर पीस, ठीक है, फोर पीस बोला जाता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो मार्केटिंग ये चारों के ऊपर ही यू नो ये सर्कुलेट करता है, लाइक अबाउट द प्रोडक्ट, हाउ टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, देन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट, ठीक है। देन अगेन इसकी प्राइसिंग, कैसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लेस, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का फैक्टर आ गया एंड प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट का फैक्टर आ गया। तो लाइक दैट यू शुड एक्सप्लेन ऑल दिस इंपॉर्टेंट फोर पीस ऑफ मार्केटिंग इफ यू गेट ए क्वेश्चन। देन क्वेश्चन यू माइट गेट दैट वाई डू फर्म्स गो इंटरनेशनल्स, या फिर वाई फर्म्स एंटर इन टू इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसके क्या रीजन्स हैं, वट आर द इम्पॉर्टेंट रीजन्स। ये मैंने 8 रीजन्स यहाँ पे आपको पॉइंट्स में लिखे हैं
दैट इज अनफेवरेबल डोमेस्टिक मार्केट, अगर डोमेस्टिक मार्केट अच्छा नहीं है तो इट कैन गो इंटरनेशनल, गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर अच्छी नहीं है नॉट सुटेबल टू द कंपनी तो इट कैन गो इंटरनेशनल, देन अगर इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है तो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन जॉइनिंग द आई मीन यू नो जम्पिंग इन टू द ओशियन, क्योंकि कंपनी को तो कमाना है, यू नीड प्रॉफिट, तो वो एक्सपैंड कर सकती है, देन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अगर बढ़ गया तो सरप्लस प्रोडक्शन है द कंपनी कैन सेल इट अब्रॉड, देन टू रिड्यूस बिजनेस रिस्क, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे रिस्क होते हैं तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट बनाने के लिए यू नीड इन मार्केटिंग, देन इन्फ्लेशन, अगर डोमेस्टिक कंट्री में काफ़ी इन्फ्लेशन है तो इट कैन ग्रो इंटरनेशनल, देन ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म, और फर्म के ऑब्जेक्ट क्या है, वेदर टू एक्सपैंड टू ग्रो क्विकली और नॉट, और टू जस्ट लिमिट देयर बिजनेस इन द डोमेस्टिक मार्केट, सो फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन यू नीड टू यू नो गो अब्रॉड. ओके द नेक्स्ट यूनिट इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, एंड फ्रॉम दिस यूनिट यू शुड नो कि वॉट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट. नाउ वेन एवर द कंपनी tries to enter into international market, so all sorts of planning, implementation, controlling, all those strategies they are all governed in international marketing management. Now some processes are there, steps of IMM. यहाँ पे मैंने 5 steps लिखे हैं, like you have to select the market first, कि which country, which area you want to go, you want to sell your goods. Then you need to select the choose the product. Like which product you want to sell in the international market, then mode of entry, how will you go, like you know there are different ways of entering into the market like joint ventures, strategic alliances, you know bahut sare tarike hain, to yahan pe aapko mode select karna hai, then marketing strategy selection karni hai, kaun si strategy karni hai, like market skimming ya fir market differentiation, to like that bahut sari strategies hain. Then you have to take international organization decision. How will you organize the market? How will you go international? तो ये सारी planning करनी है steps जो एक के बाद एक आपको हम लोग international marketing management में करते हैं. एक बहुत ही important question है this one. EPRG framework. E stands for ethnocentric, P for polycentric, R for regiocentric and G for geocentric framework. इसके अंदर चार कंपोनेंट्स हैं, एज क्योंकि ये फुल एब्रिविएशन करेंगे तो ये चार फैक्टर निकल के आ जाएंगे. सो ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया है तो डिटेल में, तो यू शुड लुक इनटू दैट. ये चार अप्रोच मतलब अडॉप्ट करती है कंपनी इन इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट. जैसे इथनोसेंट्रिक अप्रोच में कंपनी थिंक्स दैट द प्रैक्टिसेस फॉलोड इन होम कंट्री विल बी ऑल्सो फॉलोड इन द फॉरेन कंट्री. जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डोमेस्टिक कंट्री में यूज़ करती है वो फॉरेन कंट्री में भी यूज़ करती है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस दिस अप्रोच. पॉलीसेंट्रिक में जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, इथनोसेंट्रिक ये जस्ट अपोजिट ऑफ दिस. देन रिजियोसेंट्रिक में यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन को सेंटर करके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करती है कंपनी. एंड जियोसेंट्रिक में मैनेजमेंट पॉइंट्स आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज बिटवीन द डिफरेंट मार्केट्स एंड क्रिएट्स अ ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. सो ये जियोसेंट्रिक में हो गया. एंड कुछ एक इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क को अफेक्ट करते हैं, दैट इज़ द साइज ऑफ द मार्केट. मार्केट की साइज़ कितनी बड़ी है, अब इफ़ यू वांट टू टारगेट अ स्मॉल मार्केट और बिगर मार्केट दैट डिपेंड्स अकॉर्डिंगली यू विल यूज़ द अप्रोच. देन लाइक एक्सपीरियंस इन ओवरसीज मार्केट, हाउ अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी, हाउ इट लाइक द फीडबैक द रिस्पॉन्सेज दैट इट गेट्स. Then potential of the market targeted, जो market target कर रहे हैं उसके potential कितनी है. And nature of the product, perishable, consumer, FMCG, कैसे type के product हैं, accordingly you will do the approach. Okay, the next unit is international marketing environment. ये हम लोग IPO 01 में भी अभी हम लोगों ने किया है, एंड इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में एंड डिफरेंट टाइप्स लाइक माइक्रो मैक्रो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी IPO 01 में एक्सप्लेन किया हुआ है. सो लेट्स स्किप दिस एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड करना मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट को अलग अलग यू नो पार्ट्स में डिवाइड करना.
एंड इससे बेनिफिट क्या हो सकता है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसके मेन ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा कंपनी क्यों करती है, मार्केट को सेगमेंटेशन क्यों करती है, बेसिकली टू फाइंड द डिफरेंसेस अमंग द कंज्यूमर्स, उनके फैशन ट्रेंड प्रेफरेंसेस, तो उनके डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना, दैन टू फाइंड आउट द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, स्वॉट एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो दैट वी कैन डू, दैन द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर ईच सेगमेंट, क्योंकि फंड्स की इंटरनेशनल, इफ यू वांट टू गो इंटरनेशनल यू नीड मोर फंड्स, तो यू नीड टू एलोकेट द फंड्स, यू डू प्लानिंग फॉर दैट। देन एसेंशियल और इफेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, कुछ एक प्रिंसिपल्स एसेंशियल्स वो होने चाहिए सेगमेंटेशन के लिए, लाइक इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी एक्सेसिबल, इट शुड बी डिफरेंशिएबल, दैट मीन इट शुड डिफर फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, एंड ए कंपनी कैन टेक एक्शंस, दैट मीन्स इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ एंड इट शुड बी सब्सटैंशियल। और ये मार्केट सेगमेंटेशन से ये एडवांटेजेस मिल सकती है कंपनी को कि ये कंज्यूमर्स की वांट्स डिमांड्स को स्टडी कर सकती है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकती है मार्केटिंग की। देन स्वॉट एनालिसिस से भी काफ़ी चीज़ें मतलब समझ में आती है कॉम्पिटिटर्स के बारे में, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकती है, प्रोडक्शन सेल्स प्रॉफिट ये तीनों इंक्रीज कर सकती है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड मार्केटिंग मिक्स को प्रॉपरली अप्लाई कर सकती है इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। देन वी हैव सब बेसिस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन कि ये लाइक द डिफरेंट टाइप्स मतलब किस बेसिस पे हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, डिफरेंट एरियाज, क्लाइमेट, यू नो टोपोग्राफी। देन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है according to the population, according to the age, according to the literacy rates, तो इस तरीके से हम लोग classify कर सकते हैं। कुछ psychographic segmentation होते हैं on the basis of psychology of the consumers, then we can also divide the market into the on the basis of behavior and on the basis of benefits that or value that the consumers are going to receive। तो ये कुछ basis हैं international marketing segmentation के। देन कम्स मार्केट टारगेटिंग, एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टारगेटिंग, एंड इसके भी अगेन कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, प्रोसीड्योर्स हैं फॉर मार्केट टारगेटिंग। जैसे द कंपनी कैन ऑप्ट फॉर कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग जो काफ़ी यू नो डीप होती है, फोकस्ड होती है, डिफरेंशिएटेड होती है अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग टारगेटिंग, अनडिफरेंशिएटेड इज जस्ट द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएटेड। और एक चीज़ है दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है, लाइक 1 month, 6 months और मोर देन दैट, तो बिकॉज एवरी प्रोडक्ट नेचुरली डाइज आफ्टर सम ईयर्स, तो दैट ऑल्सो वी नीड टू डिसाइड। देन कम्स मार्केट पोजिशनिंग, मार्केट में लाइक प्रोडक्ट की पोजिशनिंग आप कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है MNCs के लिए, एंड यहाँ पे कंपनी वॉन्ट्स टू क्रिएट एन इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स, फॉर दैट इट नीड्स इट डज मार्केट पोजिशनिंग। ये कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं फॉर प्रोडक्ट पोजीशनिंग, कि आप प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे करेंगे मार्केट में। वन इज़ कंपैरेटिव, आप कंपेयर लाइक यू नो यू विल कंपेयर योर प्रोडक्ट विद द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, एंड उसमें वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। देन डिफ्रेंशिएशन कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़े से अलग होने चाहिए, डिफरेंट हैं कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से, तो ये चीज़ें माइंड में सेट करनी है कंज्यूमर्स के। देन सेगमेंटेशन कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में, जैसे कि फेयर एंड लवली है तो फॉर मैन फॉर वूमन तो दोनों अलग अलग है, तो दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंटेशन। तो इस तरीके से भी आप कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पोजिशनिंग आर देयर, जैसे कि यहाँ पे हाई टेक पोजिशनिंग एंड हाई टच पोजिशनिंग, ये डिफरेंस एग्जाम्स में काफ़ी टाइम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, डू रिवाइज दिस। ओके, देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग, ये भी आपको 5 marks और 6 marks में मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, यूनिट 5 में है फॉरेन मार्केट सिलेक्शन, हाउ विल यू सिलेक्ट और हाउ ए कंपनी सिलेक्ट फॉरेन मार्केट, तो ये चार चीज़ें कंपनी को ध्यान रखनी पड़ती है कि मार्केट की साइज़ कितनी बड़ी है, हाउ इज़ द साइज, देन हाउ इज़ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन द फॉरेन कंट्रीज एंड व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स देयर, जो एंड सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये बेसिक चार चीज़ों को कंपनी को ऑलवेज देखना पड़ता है बिफोर एंटरिंग इन टू द फॉरेन मार्केट। एंड दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एंटरिंग इन टू फॉरेन मार्केट, ये क्वेश्चन जो मैंने सिर्फ ओनली पॉइंट्स लिखे हैं इसका एक्सप्लेनेशन जरूर करना है।
एंड जैसे कि यहाँ पे अगर फॉरेन मार्केट में आपको जाना है तो यू कैन गो थ्रू डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे, इसके फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। देन लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग कर सकते हैं आप, इसके भी मेरिट्स डिमेरिट्स ये आपको लिखने हैं, प्रिपेयर करने हैं। जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इनफैक्ट, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, ये सभी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस आर द वेज, द डिफरेंट वेज बाई विच अ कंपनी कैन एंटर इन टू फॉरन मार्केट। एक और डिफरेंस करना है इस यूनिट से, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में डायरेक्ट एक्सपोर्टर यू नो इम्पोर्टर को कॉन्टैक्ट करता है, बट इन इनडायरेक्ट इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर आर कॉन्टैक्टेड थ्रू अ मिडलमैन, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन राइट द डिफरेंस। ओके, देन वी हैव यूनिट 7, इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग। एंड यहाँ पे इस यूनिट में यू शुड रिवाइज अबाउट PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हर प्रोडक्ट को यू नो दिस ये चार स्टेजेस से मूव करना होता है। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन। जैसे कि यहाँ पे ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, वेरी सिंपल वन। जैसे कि दिस फोर स्टेजेस आर देयर, दिस इज द इंट्रोडक्शन स्टेज, दिस इज द ग्रोथ स्टेज वेयर द प्रोडक्ट ग्रोज इन द मार्केट, एंड देन इट बिकम्स स्टेबल, मैच्योर्ड, एंड देन इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन एंड अल्टीमेटली डाइज। सो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। देन द डिफरेंट प्रोसेसेस और स्टेप्स इन डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट। अगर न्यू प्रोडक्ट अगर आपको लॉन्च करना है मार्केट में तो कंपनी क्या देखती है? तो सबसे पहले तो एक आइडिया आता है कंपनी के कि येस आई वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर दिस न्यू प्रोडक्ट। देन इट डज द स्क्रीनिंग ऑफ दैट, एक रिहर्सल करते हैं कि हाउ द व्हाट इज टू गेट द रिस्पॉन्स। देन यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है प्रोडक्ट का, देन एनालिसिस एंड टेस्टिंग होती है, एंड देन कमर्शियलाइजेशन होती है, एंड लास्ट में इवेल्युएशन। तो ये 6 स्टेप्स को आपको करना है एक्सप्लेन। लाइक यू नो वेन एवर ए कंपनी वॉन्ट्स टू डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। एंड यूनिट 8 में ब्रांडिंग के ऊपर है। ब्रांडिंग हम लोग जानते हैं, इट इज गिविंग ए स्पेशल नेम, साइन, सिंबल टू ए प्रोडक्ट विच मेक्स द प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। सो दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इंक्रीज करती हैं, एक अच्छी इमेज बनती है कंज्यूमर्स के माइंड में, प्रोडक्ट सेल ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा आती है। इस तरीके से यू कैन राइट द एडवांटेजेस। सम फीचर्स यू कैन राइट अबाउट द गुड ब्रांड, की एक अच्छी ब्रांड जैसे सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए, देन इट शुड बी यूनिक, इट शुड रिफ्लेक्ट बी देयर इन द पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड लाइक दैट। कुछ ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी हैं जो कंपनी यूज़ करती है, लाइक नेम ब्रांडिंग, इंडिविजुअल ब्रांडिंग, एटीट्यूड ब्रांडिंग एंड अम्ब्रेला ब्रांडिंग। ये चारों को आपको एक्सप्लेन करना है। सो इम्पॉर्टेंट वन, ग्लोबल ब्रांड एंड लोकल ब्रांड का डिफरेंसेस भी आप देख सकते हैं। एंड वन डिफरेंस दिस इंडिविजुअल ब्रांडिंग एंड अम्ब्रेला ब्रांडिंग, ये डिफरेंसेस भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है। ओके, देन वी हैव पैकेजिंग। पैकेजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ द प्रोडक्ट, एंड इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, प्रमोट करता है। तो दिस थ्री पीस यू कैन लर्न अबाउट पैकेजिंग। एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर देयर विच इन्फ्लुएंस द पैकेजिंग डिसीजन, लाइक दिस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल, एंड इट शुड बी इकोनॉमिकल, एंड इट शुड बी कन्वीनियंट। तो दीज आर फैक्टर्स शुड बी देयर। एंड सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट पैकेजिंग, ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। देन कम्स लेबलिंग। लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ए स्मॉल लेबल ऑन द प्रोडक्ट, लाइक प्राइस, वेट, साइज, ये आप देख सकते हैं इसकी मीनिंग पे। एंड कुछ इसके इंपॉर्टेंट हैं लेबलिंग के, जैसे इट गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट इट्स साइज, वेट, प्राइस एंड ऑल दैट। एंड इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, इट हेल्प्स टू ग्रेड द प्रोडक्ट, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल्स एंड देयर बाई यू नो इंक्रीज द प्रॉफिट। एंड सम स्पेशल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड, लाइक यू नो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू। देन वी हैव वन मोर डिफरेंस, दैट इज इंटरनेशनल वारंटी एंड इंटरनेशनल गारंटी। ये दोनों का डिफरेंस भी आप कर सकते हैं फॉर द एग्जाम्स। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं यूनिट 9 में, इंटरनेशनल प्राइसिंग। नाउ हियर एज द नेम इम्प्लाइज, कि यहाँ पे प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी क्या है एंड वॉट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइसिंग व्हाइल द कंपनी फिक्सेस द प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जानते हैं हम लोग कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है,
एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पे प्रॉफिट ऐड करके यू नीड टू फिक्स अप द प्राइसेस. देन व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, दैट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन. देन हाउ इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अगर डिमांड अच्छी है तो यू कैन लिटिल बिट फिक्स अ प्राइस मोर देन दैट. देन ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म, वेदर टू सेल मोर एट अ लोअर प्राइस और टू सेल लेस एट अ हायर प्राइस. देन इनकम ऑफ द कस्टमर्स, तो इनकम कैसी है, हाउ इज देयर इनकम, अगर अच्छी है इनकम तो यू कैन फिक्स अप लिटिल बिट हायर प्राइसेस. देन गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टैक्स रेट्स एंड ऑल दैट, तो इसके बारे में आप हाईलाइट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, मेथड्स और स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइस फिक्सिंग. नाउ 7 स्ट्रैटेजीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. सबसे पहले तो प्राइस स्कीमिंग, यहाँ पे कंपनी सबसे पहले हायर प्राइसेस में प्रोडक्ट को लॉन्च करती है एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बाद में अगेन इट लोअर्स द प्राइस, जैसे कि मोबाइल फोन्स में होता है. एंड द सेकेंड वन इज मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट पेनिट्रेशन में यहाँ पे कंपनी स्टार्टिंग में प्राइसेस को कम रखती है सो दैट इट कैन कैप्चर ए शेयर ऑफ मार्केट एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस द प्राइस. वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कर सकती है, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू है, अच्छी है क्वालिटी, इट कैन फिक्स अप अ लिटिल बिट मोर प्राइस. साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, जैसे 499, 999, तो लाइक दैट 1 रुपी लेस देन टू राउंड ऑफ. तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कस्टमर्स के माइंड के साथ में हम लोग माइंड गेम है एक्चुअली. देन वी हैव कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, डायनेमिक प्राइसिंग, जो मतलब यू नो अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन वी फिक्स अप द प्राइसेस. देन वी हैव ज्योग्राफिक प्राइसिंग, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी, अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक कंडीशंस वी फिक्स अप द प्राइसेस. देन देर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट प्राइसिंग डिसीजंस इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग. कुछ एक फैक्टर्स जो कंपनी कंसिडर करती है बिफोर फिक्सिंग द प्राइसेस. द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, देन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, डिमांड ऑफ द गुड्स, मोर और लेस वो पहले जैसे ही है, नॉट मच डिफरेंस. ये एक्सचेंज रेट, ये नया पॉइंट है इसके अंदर. एंड कुछ मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंपनी कंसिडर करती है एंड जो फॉरेन गवर्नमेंट है उनके रेगुलेशंस, वो सब भी कंपनी को देखना होता है. ओके, देन कम्स ट्रांसफर प्राइसिंग. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है. एंड ट्रांसफर प्राइसिंग में यहाँ पे बेसिकली इट इज़ डन बिटवीन ए कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी टू अवॉइड द टैक्स. ठीक है, जनरली मल्टीनेशनल एंड TNC में ये देखने के लिए मिलता है दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग. एंड यहाँ पे डिफरेंट वेज है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग आर देयर. जैसे मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग कर सकती है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है, देन नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग. ये सेम कंपनी है, वो अपनी मेन कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के साथ में प्राइस मिलके प्राइस फिक्स करती है फॉर डिफरेंट कंट्रीज. इसके मेन ऑब्जेक्ट होते हैं कि मेनली ये रिड्यूस द टैक्सेस एंड टैरिफ्स, ताकि कम से कम टैक्सेस पेमेंट करना पड़े एंड मैनेज द कैश फ्लोज इफेक्टिवली टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द होस्ट गवर्नमेंट एंड डोमेस्टिक गवर्नमेंट एंड टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द सब्सिडरीज. सो दीज आर सम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. यूनिट 11 इज ऑन IMC, इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन. तो एज वी नो कि यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम है, दे आर ऑल वेल डेवलप्ड, लेकिन फिर भी यू नो व्हेन अ कंपनी गोज इंटरनेशनल तो बहुत सारे यहाँ पे कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड कुछ एक टूल्स है कम्युनिकेशन के, जैसे कि यहाँ पे ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होते हैं बहुत सारे, तो कंपनी कैन गो विद दैट, लाइक प्राइजेस, बोनस, फ्री गिफ्ट्स एंड ऑल दैट. पर्सनल सेलिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है. एडवर्टाइजिंग इज अ इम्पॉर्टेंट टूल. स्पॉन्सरशिप कर सकती है लाइक मैचेस एंड ऑल. दैन डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकती है. सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इट इज कैप्चरिंग अ गुड यू नो काफ़ी अच्छा अभी देखने के लिए मिल रहा है सोशल मार्केटिंग में. देन पब्लिक रिलेशन बना सकती है एंड मोबाइल मार्केटिंग. तो ये कुछ टूल्स हैं फॉर द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग विच नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड इन द आंसर. सम स्टेप्स एंड प्रोसेसेस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन. सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस, कि आपको किसको कम्युनिकेट करना है, और उसके बाद में आ गई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कम्युनिकेशन, कि क्या चीज़ आप क्या मैसेज देना चाहते हो.
देन डिटरमाइनिंग द मैसेज, मैसेज क्या मैसेज, लाइक आपको मैसेज लिखना है, स्क्रिप्ट बनानी है उसकी. देन बजट, आपका बजट क्या है फॉर दिस कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, क्विकली नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट यूनिट इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग. इसके बारे में हम लोग मोर और लेस जानते हैं, एडवर्टाइजिंग क्या है, इसके इंपॉर्टेंस, इसके ड्रॉबैक्स, इसके एडवांटेजेस. तो यू जस्ट गो थ्रू दिस. ये एक डिफरेंस आप कर सकते हैं फॉर द एग्जाम, स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडेप्टेशन, इसका डिफरेंस. उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडेप्टेशन. तो ये कुछ हैं जैसे कि कस्टमर ओरिएंटेशन, स्टेज ऑफ मार्केट डेवलपमेंट, लीगल कंसिडरेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो ये कुछ कंडीशंस हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. तो इनको आपको एक्सप्लेन करना है. यूनिट 13 इज ऑन पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन. इस चैप्टर में यू शुड नो लाइक पर्सनल सेलिंग क्लास 11 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. एंड जो सेल्समैन जो प्रोडक्ट सेल करता है, बेसिकली वो अच्छी एग्जांपल है पर्सनल सेलिंग की, एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द सेलर एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द कस्टमर्स. देन दिस वन, ये इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टेप्स इन्वॉल्व इन द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस बहुत बार एग्जाम्स में आता है फ्रेंड्स. एंड एक सेल्समैन जब सेल करना शुरू करता है प्रोडक्ट की, तो क्या स्टेप्स फॉलो करता है. सबसे पहले तो वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, देन प्रोस्पेक्टिंग सर्च करता है कि जो प्रोबेबल कस्टमर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट करता है, एक प्री अप्रोच बनाता है उनको कॉन्टैक्ट करने के पहले, देन उसके बाद में अप्रोच शुरू होती है. यहाँ पे मेन कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द सेल्समैन एंड द कस्टमर, एंड उसके बाद में डेमो करना पड़ता है उसको प्रोडक्ट का. देन इफ एनी ऑब्जेक्शंस और क्वेरीज आर देयर, यू नीड्स टू हैंडल दैट. उसके बाद में एक सेल को क्लोज करना है, दैट मीन्स यू सेल द गुड्स एंड फॉलो अप एक्शंस. सेल करने के बाद भी सेल्समैन को फॉलो अप एक्शंस के लिए रेडी होना होता है. ओके, देन वी हैव पब्लिसिटी. पब्लिसिटी इज अ वेरी गुड टूल्स ऑफ प्रमोटिंग सेल्स. तो ये जनरली पब्लिसिटी इज डिफाइंड एज अ नॉन पर्सनल स्टिम्युलेशन ऑफ डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस. एंड कुछ एक नॉन पर्सनल मीडिया है जैसे रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये एक्चुअली यहाँ पे कंपनी को पे नहीं करना होता, जैसे कि एडवर्टाइजिंग में करती है कंपनी, पब्लिसिटी में इसको पे नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली पब्लिसिटी हो जाती है. तो ये डिफरेंसेस भी आप कर सकते हो एग्जाम्स के लिए, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, ये भी ईजी है. एंड कुछ एक इसके इम्पॉर्टेंस, एडवांटेजेस ऑफ पब्लिसिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिसिटी. पब्लिसिटी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, तो रेडी रहना है उसके लिए. यूनिट 15 में इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस, इसका डिफरेंस ईजी है, वी कैन राइट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन दिस. नाउ दिस क्वेश्चन, डिफरेंट चैलेंजेस इन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम्स में, बी वेरी केयरफुल. एंड इसको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है कि एक सर्विसेज को मार्केटिंग करना बहुत यू नो वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड ये कुछ रीजंस हैं फॉर दैट. IBO 01 में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था. कई सारे चैप्टर्स एमकॉम में ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कॉमन है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, तो ये बेनिफिट तो है ही. एंड सम बैरियर्स आर देयर, बैरियर्स टू इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, आई मीन ऑब्स्टिकल्स, दिस क्वेश्चन ऑल्सो नीड्स योर अटेंशन. ओके, देन सम इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज इन द वर्ल्ड, एज वी नो दिस सर्विस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, एंड व्हाई इट इज ग्रोइंग, इसके इफेक्ट, इसके बेनिफिट्स, तो ये भी आपको करने हैं. एंड सम अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में, टेली कम्युनिकेशन में, IT सेक्टर में, हेल्थ केयर, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट. तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंडिया के पास में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं वर्ल्ड में नंबर वन सर्विस प्रोवाइडर बनने की. ओके, द नेक्स्ट इज GATS, द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, एंड इसके ऊपर आपको मिल सकता है शॉर्ट नोट. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसका मेन ऑब्जेक्ट है टू प्रमोट सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड कुछ इसके प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस. तो ये भी कॉमन टॉपिक है, बहुत सारे एमकॉम के सब्जेक्ट्स में है. एंड अगेन यूनिट 16 में इमर्जिंग ट्रेंड एंड इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग,
यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, ट्रेंड्स ये आपको स्टडी करने हैं। इसके अंदर सोशल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग, जैसे एडल्ट्रेशन होती है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, एंड डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स आर देयर बाय द एमएनसीज एंड टीएनसीज, लो सैलरीज टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की एक्सप्लॉयटेशन है, पुअर वर्किंग कंडीशंस फॉर द एम्प्लॉयज, टैक्स इवेशन होता है, दैट मीन्स दिस बिग कंपनीज ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द टैक्सेस, पॉल्यूशन होता है, एंड रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है इन द डोमेस्टिक कंट्रीज, एंड देर इज शेयर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, एथिकल, सोशल, यू नो, जो अभी ट्रेंड में है, एंड डिफरेंस बिटवीन मल्टी नेशनल मार्केटिंग एंड ग्लोबल मार्केटिंग। सो दिस डिफरेंस ऑल्सो यू कैन गो थ्रू एज माई सजेशंस फॉर दिस एग्जाम। देन इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन आईटी, ऑन आईटी सेक्टर, लाइक आईटी सेक्टर किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग में हेल्प करता है। तो इसके लिए जैसे यहाँ पे ये कम्युनिकेशन चैनल बनाता है, देन ट्रांजैक्शन चैनल्स डेवलप करता है आईटी सेक्टर, बिकॉज आईटी सेक्टर के बिना तो यू नो इंटरनेशनल मार्केटिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन नाउअडेज। एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करता है, एंड दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल्स, रिड्यूस द कॉस्ट। नाउ लाइक द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी स्मॉलर ड्यू टू दिस आईटी सेक्टर। एंड यूनिट 17 इज ऑन इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च के डेफिनेशन लाइक यू नो कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा, इंटरनेशनल डेटा, एंड कुछ एक फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, जैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये कंपनी को ध्यान रखने हैं दूसरी कंट्रीज के भी और अपनी कंट्रीज के भी। देन सम सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, इसको भी स्टडी करना है, एक्सपेंसेस, कॉस्ट, ये भी ध्यान रखना है, एंड डेटा सफिशियंट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इनएक्यूरेट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द रिसर्चिंग कंट्रीज, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। सो समटाइम्स दिस फॉरेन कंट्रीज डू नॉट कोऑपरेट विद द डोमेस्टिक फर्म्स, एंड देर आर सम एनवायरमेंटल डिफरेंसेस अमंग द कंट्रीज, सो दिस ऑल्सो एक्ट एज एन ऑब्स्टिकल, एंड यू नीड टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स। नाउ दिस वन, MIS एंड MR, दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग सिस्टम एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, इसका डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स, डू रिवाइज दिस डिफरेंस वेल। एंड द नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा एंड देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। जैसे कि यहाँ पे ये फाइव मेथड्स आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इफ़ यू गेट इन अ लॉन्ग क्वेश्चन, लाइक ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, रिपोर्टर्स, क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल। तो ये इन सभी के मतलब यू नो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देन यू कैन गो थ्रू सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग मेथड्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं दो टाइप की सैम्पलिंग होती है, रैंडम एंड नॉन रैंडम। लेकिन रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, मल्टी स्टेज, जो हम लोग MCO 03 में इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो देयर इन IBO 02। एंड सम नॉन सैम्पलिंग, रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग में देख लेते हैं, तीन टाइप के होती हैं ये, दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी मिल सकते हैं कोई भी एक, तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फैक्ट यूनिट 19, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज रिपोर्टिंग एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में सम गाइडलाइंस फॉर गुड इंटरनेशनल मार्केटिंग रिपोर्ट, कि एक इंटरनेशनल लेवल पे जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, सो ऑल दिस पॉइंट्स शुड बी मेंशन्ड इन दैट। ओके, सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड ये कुछ थे इंपॉर्टेंट सजेशंस, एंड इफ़ यू लाइक दिस सजेशंस काइंडली गिव अ लाइक, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ some more useful information and suggestions.